अगर आपको भारत के बाहर भारत अनुभव करना हो तो इजिप्ट चले जाइए। यहाँ लोग न सिर्फ इंडियंस की तरह दिखते हैं बल्कि सभी परेशानियों के बावजूद उसी मुस्कुराहट के साथ जीवन को जीते हैं। कायरो में मेरी मुलाकात हुई मेरे काउच सर्फिंग होस्ट नाजी शाहता साहब से। ये बचपन से ही डिफरेंटली एबल्ड हैं और डिफरेंटली एबल्ड से मैं इनकी बॉडी की नहीं बल्कि इनकी बुद्धि और हिम्मत की बात कर रहा हूँ। डिस्पाइट हिज मेडिकल कंडीशन इन्होंने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करी, कई साल कई स्कूलों में काम किया और इनके कई स्टूडेंट्स आज सुपर सक्सेसफुल हैं। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद ये अपने थिएटर के पैशन को खुल के फॉलो कर रहे हैं। इनका घर और दिल दोनों बहुत बड़े हैं। इनके लिए दुनिया घूमना मुश्किल था, इसलिए इन्होंने दुनिया को ही अपने घर में इनवाइट कर लिया। इनके दरवाजे मेरे जैसे ट्रैवलर्स के लिए हमेशा खुले रहते हैं। मैंने इनसे इनके कल्चर के बारे में बहुत कुछ जाना और इन्हें कराया लजीज भारतीय खाने से मुखातिब। ये इंडिया आने के लिए बेताब हैं। उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही इनसे इंडिया में मुलाकात होगी और वो स्टोरी भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा।